हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राशिस रस। तो मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ अपना सेकंड पार्ट, जिसमें मेरी थोड़ी ज्वेलरी और मेरे कुछ कपड़े रह गए थे आपको दिखाने। तो आई होप कि आपको इससे कुछ हेल्प मिल जाए। आप इन चीज़ों को दिवाली पे भी ट्राई कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि करवा चौथ पे ट्राई करना है आपको, आप इनको दिवाली पे भी ट्राई करिए। आपके दोनों फेस्टिवल या इनके बीच में जो भी फेस्टिवल आ रहे हैं वो सारे कवर हो जाएंगे। तो आई होप कि आपको इससे थोड़ी सी हेल्प मिले। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं इस लहंगे को। ये लहंगा मैंने खुद से अपने स्टिच करवाया था टेलर से कपड़ा लेके, और ये मैंने अपनी सिस्टर की शादी में बनवाया था, जिससे 4 से 5 साल हो गए तब मैंने इसको स्टिच करवाया था। ये कपड़ा मैंने ख़रीदा था, आप देखिए ये नेट का कपड़ा है, उस पर इस तरह का वर्क हो रहा है। ये कपड़ा ही मुझे पसंद आ गया था बस एक बार देखने में। ये मुझे काफ़ी महंगा तो पड़ा स्टिच करवाने में, लेकिन बस वो कहते हैं ना कि जो चीज़ पसंद आ जाती है तो फिर कभी कभी हम औरतों में ये बात होती है कि उसे मतलब एक बार जो चीज़ पसंद आ गई तो बस आ ही गई। तो बस मुझे ये महंगा तो काफ़ी पड़ा था स्टिच करवाने में, लेकिन फिर भी बन के ये अच्छा बना और पहनने के बाद काफ़ी खूबसूरत लगा। इसमें आप इस तरह से देखिए, मैंने साटन का ही अस्तर लगवाया था और नीचे कॉटन का भी, तो इस तरह से इसकी 3 लेयर हो गई थी, क्योंकि ये नेट का था, बहुत ट्रांसपेरेंट था। और ये इसका ब्लाउज है, ये बिल्कुल मैंने सिंपल रखवाया था, बस इस तरह से इसमें डोरी में ये वाली लगवा ली, ये टेलर ने खुद से बनाकर लगाई थी नीचे की तरफ, और ये मैंने अलग से लाकर लगा ली थी। ये टेलर ने लगाई थी, ये छोटी वाली लग रही है। और बाजू पे बस ये लेस मैं दुपट्टे में लगवाई थी, तो वो मैंने इस तरह से ब्लाउज में यूज़ कर ली। अब ये इसका दुपट्टा लहंगे का, ये भी मैंने अलग से कपड़ा लिया था, दुपट्टे का भी कपड़ा काफ़ी महंगा आया था, तो ये कपड़ा लिया मैंने इस तरह से। और ये जो लेस लग रही है बॉर्डर, आप चाहें ना तो इसे इस तरह से भी साड़ी पर हम डाल सकते हैं, या फिर हम साड़ी कैरी कर रहे हैं फ्री पल्लू में, सर नहीं ढक पा रहा। काफ़ी बनारसी साड़ियाँ होती हैं जिससे हम सर नहीं ढक पाते हैं, बहुत सारी साड़ियाँ इस तरह से होती हैं, तो आप इस तरह से इस तरह के लहंगे के दुपट्टों को आप यूज़ कर सकते हैं सर ढक के। वैसे तो मैं तो अपनी शादी का जो दुपट्टा है मेरा, मैं उसे यूज़ करती हूँ ज़्यादातर, और काफ़ी औरतें उन्हीं दुपट्टों को यूज़ करती हैं। अगर आप नहीं चाहते हैं तो आप कोई भी इस तरह से आपके गोल्डन कलर में लहंगे का ब्लाउज इस तरह से, जैसे मेरा दुपट्टा है, तो आप इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। अब आप, मैं इस दुपट्टे के बारे में बताऊं तो मैंने इसमें ये लेस लगवाई थी और ये पाइपिंग, क्योंकि लहंगा मजेंटा था तो इस तरह से इसके दोनों तरफ मजेंटा कलर की पाइपिंग लगवा के, और तब मैंने ये लेस, ये सारा सामान मैंने ही ला कर दिया था टेलर को, सब कुछ मैंने उसे बताया था और उसने बस तैयार किया था ये। तो आप इसमें मेरा लुक देख सकते हैं कि मैंने ये पहन रखा है, ये मैंने करवा चौथ पे 2 साल पहले पहना था। अब आते हैं ये मैंने पिछली साल ही लिया था करवा चौथ पे, ये इस तरह से सिल्क के कपड़े में लें, ये डार्क चॉकलेटी कलर है। ये पहनने के बाद बहुत अच्छा लगा था, बहुत सिंपल सा था और इसे कैरी करने में बहुत आसानी, क्योंकि सिल्क ना बहुत सॉफ्ट वाली, एकदम कड़क कड़क वाली नहीं है, और इसका जो घेर है वो काफ़ी है, तो घेर की वजह से ये काफ़ी सुंदर लगा था। आप ये, मैं इसका कपड़ा भी दिखाती हूँ आपको पास से थोड़ा, ये इस तरह से देखिए आप इसका घेर देखिए, इसका घेर भी काफ़ी है। और इस ये कैन वाला जो लहंगे होते हैं वो इसमें कैन लगी हुई है, इस तरह के जो कैन वाले लहंगे होते हैं पहनने में बहुत अच्छे लगते हैं, नीचे से एकदम जो उनका नीचे से घेर आता है तो वो काफ़ी खुला हुआ आता है, और इसमें ये नीचे अस्तर भी लगा हुआ है, तो ये पहनने में काफ़ी कंफर्टेबल है, बिल्कुल ऐसी नहीं है कि आपको परेशानी हो या फिर कुछ हो, बहुत हल्का है पहनने में। और ये इसका ब्लाउज था, ये कट स्लिप आया था इसकी बाजू इसके साथ ही, तो इस तरह से मैंने इसकी बाजू, ये फ्रिल वाली बाजू लगवा ली, अच्छी लगती हैं इस तरह की फ्रिल बाजू। आप ब्लाउज में लगवाएं या मैंने अपने लहंगे में, मेरे ब्लाउज भी उसमें भी बनवा चुकी हूँ मैं इस तरह से, तो बस मैंने ये बाजू इस तरह से लगवाई। और ये इसका बैक साइड था, ये पूरा बंद था बैक से भी और आगे से भी, लेकिन मैंने पीछे से इसे थोड़ा डीप नेक करवा लिया, वरना ये केवल बोट नेक वाला ब्लाउज आया था जब इसके साथ आया था, तो मैंने इसको अपने टेलर से देखे और इसे इस तरह, और ये बिल्कुल आप लहंगे और कमर के नीचे ही आता है, ब्लाउज से नीचे ही आता है। इसके साथ जो दुपट्टा आया था वो ये आया था। अब मैं इसकी लेंथ दिखाती हूँ, इसकी चौड़ाई भी बहुत कम है और लेंथ भी बहुत कम है, आप सिर्फ इसे एक साइड में डालकर कैरी कर सकते हैं, लेकिन इससे सर वगैरह कुछ नहीं ढक सकता था, मतलब और ना ही ये ऐसा था कि हमें ये हमारे सर पे रुकता, तो मैंने इसके लिए ये वाला दुपट्टा लेकर आई। ये काफ़ी लंबा भी है, ये 2.5 मीटर के करीब है, वो 2 मीटर था, 2 मीटर सिर्फ हम अपने साइड में डाल सकते हैं, उससे हम ढंग से बांध भी नहीं सकते।
तो मैंने इसके लिए ये दुपट्टा ले लिया था और आप ये देख सकते हैं इसमें लगा, ये पूरा तैयार ही आया था और ज़्यादा महंगा भी नहीं आता, ये 300 350 के करीब का ही दुपट्टा है बस। और ये इसके ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छे से गया, मैं भी आपकी पिक मेरी पिक्चर्स लगी दिखेंगी अभी आपको, तो ये सच में इसके ऊपर बहुत अच्छा गया, मतलब उस दुपट्टे से ज़्यादा इसका लुक अच्छा आया था उस लहंगे पे। तो अब ये काफ़ी लंबा भी है, इसे आराम से मैं बांध के और सिर भी ढक लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी जगह हमें अपने सिर भी ढकना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि हर जगह सिर खोल के रहें। तो आप ये देख सकते हैं बनने में, तो वैसे भी नेट का दुपट्टा का आप ये देख सकते हैं कि मैंने इसे साइड से कमर पर उधर बांध भी रखा और ये इतना आगे भी आ रहा है और इसके साथ ये अच्छा भी लग रहा है, मतलब उस दुपट्टे से ज़्यादा इस पर लगा। अब ये चूड़ियाँ, अब मैं इन चूड़ियों को बताऊँ तो ये चूड़ियाँ भी कम से कम 6 से 7 साल हो गई और मैं इन चूड़ियों को ही पहन रही हूँ। मैं सुबह में थोड़ी नई चूड़ियाँ पहनती हूँ, बस एक डिब्बी नई लाती हूँ और उन्हें नई पहन लेती हूँ, लेकिन शाम के टाइम चाहे मेरा कोई भी कलर का हो लेकिन मैं रेड और ये ऑफ वाइट की चूड़ियाँ ही पहनती हूँ, क्योंकि शुरू शुरू में मैंने चूड़ा पहना था 1 से 2 साल तक जो मेरी शादी का था लहंगे के साथ का, और उसके बाद मैंने ये चूड़ियाँ रखी हैं, जब से मैं ये चूड़ियाँ वेलवेट की हैं, रेड वाली चूड़ियाँ, ये वेलवेट का काम हो रहा है इन पर, ये बहुत सुंदर, इसमें हर कलर आते हैं, अगर आप मार्केट में देखेंगे लोकल मार्केट से ली थी। और आप चाहे तो दोनों हाथों में पहन ले या चाहे तो एक हाथ में इस तरह से गोल्ड की या किसी की भी चूड़ी कंगन आप पहन लें, या वॉच पहनना चाहें तो वॉच भी पहन सकते हैं एक हाथ में। अब आते हैं गाउन पे, तो ये मेरा एक गाउन है और ये मैंने अभी ड्राई क्लीन करवाया था, उस पर टैग लगा हुआ है, ये मैंने अपने भाई की शादी में लिया था और इसको भी 3 साल हो गए हैं। इस तरह की चीज़ें हैं जो हम 1 से 2 बार पहनने के बाद और ये रख जाती हैं, तो क्यों ना इन्हें ट्राई कर लेना चाहिए कभी कभी, किसी भी चीज़ से इन पर दुपट्टे अलग से ले लो, कुछ भी अलग से ट्राई करो तो वो चीज़ भी अलग लगती है और हमारे कपड़े भी यूज़ हो जाते हैं। इसकी ये कट स्लिप आया था, इसकी बाजू उसके साथ में थी तो मैंने इस तरह से ऑफ शोल्डर करवा के इसकी बाजू लगवा ली। बाजू ज़्यादातर मार्केट से अगर हम कोई रेडीमेड चीज़ लेते हैं तो ये मैंने दिल्ली से लिया था चांदनी चौक से, और आपको यकीन नहीं होगा ये बहुत सस्ता था, ये केवल 3200 रुपये का आया था, मतलब इसे देखने के बाद कोई नहीं कह सकता है कि 3200 रुपये का, सच में दिल्ली के मार्केट की यही होती है। अगर इसे हम वैसे मार्केट से लेते नोएडा से या कहीं से भी तो ये बहुत महंगा मिलता, लेकिन वहाँ इस टाइम पे केवल मुझे 3200 रुपये में मिला था। लेकिन इसका जो दुपट्टा आया था वो ये आया था, लेकिन फिर मैंने उस दुपट्टे को यूज़ ना करके, वो काफ़ी छोटा भी था और बिल्कुल अच्छा भी नहीं लग रहा था, तो मैंने अलग से ये दुपट्टा बनवा लिया, ले लिया था, ये शिफॉन का है और केवल इसमें ये लेस लगवाई, क्योंकि पूरा वर्क हो रहा है गाउन पे हैवी, तो दुपट्टा मैंने प्लेन ही रखा इसका, केवल मैंने इसमें ये लेस लगवा ली थी लाके टेलर से। ये कपड़ा भी दुपट्टा का मैं लेके आई थी और लेस भी, बस टेलर से इसको ऐसे स्टिक करा लिया था, और इसके साथ ये बहुत अच्छे से जाता है। एक मेरा ये दुपट्टा था फुलकारी का भी, ये भी इसके साथ अच्छा लगता है, लेकिन ये दोनों वर्क होते हैं तो ये इतना अच्छा नहीं लगता जितना अच्छा वो लगता है। मैंने उसे भी कैरी कर रखा है मजेंटा वाले को भी, और मैं आपको लुक दिखाती हूँ, ये मैंने अपने भाई की शादी में पहना था तो वो लुक है, और इसमें मैंने इस तरह की झुमकियाँ पहन रखी थी, गले में सिर्फ मैंने एक चैन या मंगलसूत्र पहन रखा है, और ये मेरा अब आप देखिए दुपट्टा कितना बड़ा है कि मेरा सर आराम से इससे ढक गया है। तो आप इस तरह से भी दुपट्टे को, अपने सर को ढकना हो तो इस तरह से भी अपने दुपट्टे को कैरी कर सकते हैं। अभी इस गाउन पर आते हैं, ये मेरा दूसरा गाउन है, तो ये आप जैसे दिवाली है गर्ल्स पहन सकती हैं, लड़कियां हैं तो वो पहन सकती हैं इसको, ये आपकी नाइट पार्टी है, आपकी कार्ड पार्टी अभी होती है दिवाली के टाइम पे, तो उस टाइम पे भी आप इसको कैरी कर सकते हैं, जैसे साड़ी पहन ली या फिर आप रात में कहीं पार्टी में जा रहे हैं तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। इस तरह के गाउन आपके पास ज़्यादातर लोगों के पास होती है, इस तरह की ड्रेसेस। इसमें अभी अंदर कैन कैन लगी है, इसका नीचे का घेर काफ़ी अच्छा है, इसका कपड़ा बहुत सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है इसका भी कपड़ा, और आपको ये ब्लैक लग रहा है लेकिन ये ब्लैक नहीं है, कुछ अलग सा एकदम ग्रे कलर है, डार्क ग्रे कलर जो होता है उससे, इसमें थोड़ा पिक्चर्स में ब्लैक कलर आ रहा है। इसका बैक साइड बहुत डीप था, ये देख सकते हैं इस तरह से था, ये पूरा यहाँ से कमर से ले पूरा यहाँ तक ये ऐसे ही खुला था, लेकिन मैंने टेलर से थोड़ा सा ब्लैक कपड़ा ग्रे कपड़ा लेके और मैंने इस तरह से इसको स्टिच कराया, तो आधी कमर तक मैंने इसको स्टिच करा लिया था टेलर से, वरना ये पूरा बैग इस तरह से ही था कि आप पूरा दिख रहा था पीर, अगर आप अस्तर नहीं लगवाते तो दिखता, तो मैंने आधे पट्टियों तक अस्तर लगवा रखा है
तो केवल आधी गले तक ही इसमें पीछे बैक दिखता है, बाकी बिल्कुल ठीक है। अगर हम कपड़ा नहीं लगवाते तो ये पूरा बैक जो था वो आप दिखता, मतलब तो इसकी आप इसे देख सकते हैं। बस इसकी लेंथ थोड़ी ज़्यादा है, इसके ऊपर हमें हील ही पहननी पड़ेगी। वैसे भी गाउन पहने या साड़ी पहने तो ये ध्यान रखना चाहिए कि हील ज़रूर पहने, कि जो लुक होता है इन कपड़ों में वो हील से ही आता है, ये इस तरह से। लेकिन ये पहनने के बाद बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत खूबसूरत सा। अभी आप इसकी भी पिक्चर मैं आपको लगा दूँगी यहाँ पर, तो आप यहाँ ही देख सकते हैं कि मैंने पहन रखा है। और आप इस तरह से अपनी हेयरस्टाइल भी कर सकते हैं। यहाँ मैंने एक हाथ में वॉच पहन रखी है, और आप चाहें तो एक हाथ खाली रख सकते हैं। मैंने तो बस थोड़ी सी दो से चार कंगन डाल रखे थे ब्लैक कलर के। अब ये मेरी कुछ ज्वेलरियाँ हैं, इस तरह से मैं एक हाथ में चूड़ियाँ डाल लेती हूँ और एक हाथ में या तो वॉच पहनती हूँ या फिर इस तरह से कंगन हो, इस तरह से आप डाल सकते हैं। खाली भी आप इनको डाल सकते हैं, अगर चूड़ियाँ पहनना पसंद नहीं होता लड़कियों को तो केवल वो एक या दो कंगन डाल सकती हैं। ये राजस्थानी टाइप का कंगन है। अब ये इयररिंग्स दिखाती हूँ मैं आपको, इस तरह से इयररिंग्स आप साड़ी पे सूट पे काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो ये वाले इयररिंग्स आप अपनी साड़ी पे, ये मेरी रेड कलर की साड़ी है उसके साथ के लिए मैं लाई थी। अब ये वाले मैं तब तो मैंने यहाँ झुमकियाँ पहन रखी थी और टीका पहन रखा था, और यहाँ फिर मैंने इस तरह के इयररिंग्स कैरी कर रखे हैं। आप अगर लंबी इयररिंग पहनते हैं तो आपको गले में या फिर टीका पहनने की कोई ज़रूरत नहीं है, कि आप सारी चीज़ लगा लेंगे तो बहुत ऑफर्ड सा लगेगा। और एक इस तरह से झुमके आपके पास होनी चाहिए इस तरह की, और आजकल होती भी हैं। थोड़े लंबे से इयररिंग ना आपके कानों को अलग ही लुक दे देते हैं, चाहे आप साड़ी पहने या आप कोई भी सूट पहने या आप कोई भी ड्रेस पहने और उसके ऊपर एक लंबी इयररिंग पहन लेते तो आपको किसी और ज्वेलरी की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप अपने पास लंबी इयररिंग ज़रूर रखें। ये मैं उस गाउन के साथ मैंने आपको भी पिक्चर्स में देखा भी था कि मैंने ये वाले इयररिंग्स पहन रखे हैं, और ये इस तरह से लड़ी वाले हैं, पीछे से बालों में लग जाते हैं। आप चाहें तो इन्हें निकाल भी सकते हैं और चाहे तो इन्हें इस तरह से लगा के पहने, ये साड़ी पे और गाउन पे दोनों पे अच्छे लगते हैं। अगर आप पटियाला सूट पहनते हैं उस पर भी काफ़ी अच्छे लगेंगे। अब मैं यहाँ पिक्चर्स, ये मेरी पिक्चर्स में आप देख सकते हैं कि मैंने इस गाउन पे पहन रखे हैं और ये अच्छे भी काफ़ी लग रहे थे। इस तरह से झुमकियाँ तो एवरग्रीन होती हैं, आप किसी पर भी पहन सकते हो, इनके फैशन कभी नहीं जाता है। ये मेरी जो गाउन था ग्रे वाला, उसके साथ मैंने लिए थे, ये भी इस तरह से, इसके साथ इस तरह के कई कलर आए थे, रेड ग्रीन येलो ब्लू। तो आप कोई भी ड्रेस पहने और इस तरह से इसके इसमें लगा लें और आराम से आप पहन सकते हैं। तो इस तरह से भी काफ़ी अच्छे हो जाते हैं, जैसे ब्लैक ड्रेस पहनी तो ब्लैक लगा लिया, या रेड ड्रेस पहने तो आप ये निकाल दो रेड कलर के लगा लो। तो उसमें 10 से 12 कलर आए थे इस चीज़ के। और ये इस तरह से चौकर टाइप में, ये भी अच्छे लगते हैं। आप कोई हल्की फुल्की साड़ी पहन रहे हैं या आप कानों में छोटा पहन रहे हैं, ये इसके साथ की झुमकियाँ हैं। तो आप इस तरह के नेकलेस पहने, जिन्हें नेकलेस पहनना बहुत पसंद है। ये एक झुमकियाँ, ये गोल्डन कलर की मैंने अभी पहन रखी थी जब मैंने टीका लगा रखा था इसके साथ, इस रेड साड़ी पर ही मैंने ये डाल रखी थी। ये बोरला है, ये राजस्थानी बोरला होता है, ये इस तरह से इसमें थोड़ा फंसा हुआ है अभी। मैंने तो ये पूरा ही लगा रखा था, लेकिन ये इस तरह से लगाने का है, मैंने चैन को इसमें लगवा रखा है ज्वेलरी वाले से, लेकिन मैंने इसे तीनों चीज़ों को इकट्ठा करके लगा रखा था, मांग में सीधा करके, क्योंकि इस तरह से ना साड़ी पे कम अच्छा लगता है। कोई भी आप राजपूत ड्रेस पहने उस पर अच्छा लगेगा, या आप लहंगा पहने तो उस पर अच्छा लगता है। एक इस तरह की झुमकी, इस तरह की झुमका ज़रूर होनी चाहिए आप लोगों के पास, क्योंकि ये साड़ी सूट ये हर किसी पे अच्छी लगती हैं, और आप इसे पहन लेंगे तो आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है कि आप गले में पहने। ये देखिए आप, मैंने पहन रखी है साड़ी के साथ, और मैंने सिर्फ अपना गले में मंगलसूत्र पहन रखा है। वैसे मुझे गले में पहनना थोड़ा कम पसंद है, मैं केवल अपने इयररिंग्स पहनना पसंद ही करती हूँ। लेकिन हाँ, बड़े बड़े मैंने काफ़ी, और जिसका चेहरा थोड़ा बड़ा हो, थोड़ा गोल या बड़ा होता है, उन पर बड़े इयररिंग्स बहुत अच्छे लगते हैं। एक ये टीका, ये मैंने अलग से लिया था, और इयररिंग्स अलग से लिए थे मैंने, ये अपने सिस्टर की शादी के टाइम पे लिए थे, वो मजेंटा वाला लहंगा जो मैंने आपको सबसे पहले दिखाया था उसके साथ के लिए लिए थे। तो ये शायद मैंने स्नैपडील से लिया था, और
वो शायद फ्लिपकार्ट से थे ईयरिंग्स, तो मैंने अलग अलग जगह से दोनों चीज़ अलग अलग ली थी, लेकिन हम मैच कर गए थे दोनों चीज़ें। ये थोड़ा बड़ा है, तो ये आप शादी में या किसी उस तरह के फंक्शन में पहन सकते हैं, थोड़े बड़े में। हम इसे नॉर्मली नहीं पहन सकते क्योंकि काफ़ी बड़ा टीका है और ईयरिंग्स भी थोड़े बड़े हैं, लेकिन दोनों मैच करते हैं एक इस तरह से। ये भी मेरे गले का है लेकिन मैंने अभी तक नहीं लिया है, लेकिन मैं इसके साथ पहनती, लेकिन मैंने इसलिए नहीं पहना क्योंकि इस जो मैंने कुर्ती पहन रखी है साड़ी के साथ उसमें ऑलरेडी मैंने गला लगवा रखा है। अगर हम इसे भी पहन लेंगे तो फिर थोड़ा और सा लगेगा। तो अगर आप कोई लाइट वेयर साड़ी पहनते हैं, ब्लाउज प्लेन पहनते हैं, तो उसके साथ इस तरह के गले में ज़रूर ट्राई करें। चोकर गले में बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आप सिल्क साड़ी पहनते हैं और तो चोकर या फिर वो लंबे वाले सेट जो होते हैं तो उनको ट्राई करें, अगर आप सिल्क की साड़ी पहन रहे हैं कोई। अगर आपकी साड़ी थोड़ी हैवी है तो आप केवल कानों में इयररिंग पहने, गले में कुछ ना पहने तो ज़्यादा अच्छे लगेंगे आप। अगर आप करवा चौथ का लुक कर रहे हैं तो कानों में और माथे पर टीका ज़रूर लगाएं, चाहे वो बोल रहा हो या फिर आपके किस तरह का भी टीका हो, तो आपका लुक एकदम चेंज हो जाएगा। और नॉर्मल दिवाली है या नॉर्मल कोई हल्का फुल्का फंक्शन है तो केवल आप इयररिंग्स पहने तो आपका लुक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ज्वेलरी तो गाइस बहुत सारी है, लेकिन फिर भी ये वो मेन ज्वेलरी है जो हम इस टाइम फेस्टिवल पे इन ज्वेलरी को हम यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू।